हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है, प्रोग्रेसिव डाई हम बनाने वाले हैं। तो आप बेसिकली देख पा रहे हो, जो भी मैं प्रोग्रेसिव डाई बनाता हूँ वो मैं असेंबली में बनाता हूँ। असेंबली में बनाने से क्या फायदा होती है, बहुत सारा चीजें हम एनिमेशन वगैरह करके देख सकते हैं, टेस्टिंग करके देख सकते हैं सारा चीजें। तो आज का जो वीडियो होगा हम प्रोग्रेसिव डाई में बनाएंगे, और इसको जो है मैं मैन्युअली बनाना आपको सिखाऊंगा। तो आप जैसे आप देख पा रहे हो, पहले मैं आपको कॉम्पोनेंट दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा कंपोनेंट है बेसिकली। इसकी अगर आपको मैं स्ट्रिप दिखाऊँ, एक बार आपको स्ट्रिप भी दिखा देता हूँ मैं। तो स्ट्रिप जो है ये मेरा कुछ स्ट्रिप है, ठीक है। तो इसकी जो है मैं आपकी कंप्लीट डाई बनाने वाला हूँ। कैसे आपको इसकी स्प्रिंग लगाऊंगा, कैसे इसकी जो है लिप्टर चलेंगे, है ना, लिप्टर कैसे स्प्रिंग चलेंगे, पंच कैसे होंगे, इसकी बेंडिंग पंच कैसे होंगे, तो हर एक चीज़ें हम जो है इसमें बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैं स्ट्रिप नहीं बनाऊंगा, स्ट्रिप मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ। स्ट्रिप का जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने 3 साल वीडियो डाल रखा हूँ। जिसने भी नहीं देखा वो पहले कैसे स्ट्रिप डिजाइन करते हैं वो देख ले, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिप बनाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, स्ट्रिप मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, स्ट्रिप से मैं आपको डाई बनाना सिखाऊंगा मैनुअली, ठीक है। अब इसमें मैं बिजार्ड का यूज़ नहीं कराऊँ, बिजार्ड का यूज करके मैं वीडियो बना रखा हूँ। वहाँ पर जिसको भी बिजार्ड से देखना है वो बिजार्ड से देख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से सिखाता हूँ, अगर आपको मैनुअली सीखना है मैनुअली भी सिखाता हूँ, मैं बिजार्ड से सीखना है तो बिजार्ड से भी सिखा सकता हूँ। तो दोनों तरीके से मैं प्रोग्रेसिव बिजार्ड सिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है प्रोग्रेसिव में कि आपका कंपोनेंट कैसा है, कौन सी मटेरियल का है और हम क्या मटेरियल यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और जो मेरा क्लासेस चलता है, कोई अगर क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस में आपके ग्रुप में चलता है। अगर ग्रुप में मैं क्लास लेता हूँ, मान लो 10 लोग का एक ग्रुप हो गया, उसमें 6-7 लोग जो होता है कंपनी से होता है, जो ऑलरेडी वर्किंग में है, ठीक है। तो उसकी एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपीरियंस जब दोनों चीज़ें शेयर होंगे ना आप लोग के साथ, जैसे आपको सीखने को मिलेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगे उससे आपको पता लगेंगे, बाकी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ऐसे आपस में जब आप लोग अपना नॉलेज शेयर करते हो ना, और कुछ चीज़ें से बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, स्टार्टिंग से कराऊंगा मैं। पहला जो मेरा कॉन्टेंट होता है मैं एकदम पियर्सिंग टूल से लेके प्रोग्रेसिव टूल तक कराता हूँ, ठीक है। तो ये वाला कॉम्पोनेंट हम आज पूरा बनाने वाले हैं। तो एक बार आपको डाई में दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रिप हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, आपका डाई इंसर्ट हो गया मेरा, ये मेरा डाई बेस हो गई, है ना, और ये मेरा नीचे बॉटम प्लेट हो गया। तो बाकी यहाँ पे मुझे पिलर वगैरह लगा रखा हो, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल सी बी कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा स्टिपर है, ठीक है। ये मेरा पंच है, ये मेरा कटिंग, ये कटिंग पंच है मेरा, ये मेरा बेंडिंग पंच है, ये मेरा कटिंग पंच है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मेरे ये भी स्टिपर प्लेट है, तो ऐसे ऐसे स्प्रिंग कैसा लगाना है, कैलकुलेशन क्या होगा। ये मेरा पंच प्लेट है जिसमें हम पंच को रखेंगे, है ना, ये पंच बैक प्लेट हो गया मेरा, ये मेरा टॉप प्लेट हो गया। तो कैसे किसको आपको सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ें जैसे मैं आपको असेंबली में बना रहा हूँ, प्रोग्रेसिव टूल में बना रहा हूँ, तो क्या क्या नाम से रखना है, तो एक एक चीज़ें मैं डिस्कस कर रखा हूँ और नाम के हिसाब से बना रखा हूँ। जैसे भी बनाऊंगा आप लोग को ईजी होंगे समझने के लिए, आप बनाने के लिए ईजी होंगे, कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। तो जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करना है टूल डिजाइन का, डाई डिजाइन का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे मेंशन है, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी नया मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इसी तरीके से आपको कॉन्टेंट और एडवांस लेवल में कॉन्टेंट आपको सीखना है, तो वहाँ पे नंबर मेंशन है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जब आपको कराऊंगा मैं ग्रुप में कराऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत बहुत अलग अलग टाइप का लोग मिलेंगे आपको, कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेंगे, है ना। अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है, तो आप जल्दी से 3 सीट खाली है तो आप बुक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या देखेंगे, पार्ट को हम चेक कर लेंगे, जैसे हम ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे है पहले हम जिसकी पंच बनाएंगे, ठीक है। तो पंच में क्या करेंगे, देखो मैं सीधा एक्सपर्ट से पंच बनाऊंगा। पहले आपको जब भी पंच बनाओगे ये चीजें चेक करना है, ये क्या क्या चीजें आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रोफाइल जो है मिरर है या नहीं है, और एक सीज से दूसरा सीज के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको ये सारा चीजें चेक करना पड़ेगा। अगर असेंबली में बना रहे हो तो आपको ये सारा चीजें चेक करना है, क्योंकि मैंने जो है इसकी असेंबली में बनाया पहले वाली, कि वहाँ पे असेंबली में काम होता है, बट यहाँ पे जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ये असेंबली में नहीं है, क्योंकि असेंबली में समझाऊंगा बहुत लोग को असेंबली में काम नहीं करते। तो कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत आता है कि सर असेंबली में नहीं, इसमें बताओ, ठीक है। क्योंकि उसको अगर आप, क्योंकि फाइल भी रीडूंगा मैं आपको, अगर करने जाओगे तो आपको असेंबली में नहीं होगा, अगर असेंबली में होगा तो आप कर नहीं पाओगे ना, इसीलिए जो है मैं ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, यहाँ तक सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया है। और यहाँ से जो इसकी सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट से लगभग मैंने इसको सीधा ले लिया, और यहाँ से भी सेंटर पॉइंट से मैंने कुछ सीधा ले लिया। अब देखो, अब मेरा पहला क्वेश्चन है, इस एज से, जहाँ एज से, और ये जो आपकी कटिंग ब्लॉक है, तो ये पंच है आपका, तो ये मिनिमम कितना एमएम का होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, कौन बताएगा।
और क्यों होना चाहिए, देखो स्टैंडर्ड होता है ये, हमेशा हम 15 से 20 mm लेते हैं। 15 से 20 mm क्यों लेते हैं, इसका पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? मैं बता दूँ? हाँ जी ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जो है इसको 15 से 20 mm ये लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बोल्टिंग होता है, मिनिमम आप M8 का बोल्टिंग करोगे ना, यहाँ पे जो बोल्टिंग करोगे पांच में, देखो पांच में जो बोल्टिंग होता है दो तरीके से होता है, आगे मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है, क्योंकि ये कटिंग पांच का जो बोल्टिंग होगा इसका अलग होगा, और आपका जो ये पांच होगा इसकी जो बेंडिंग पांच होगा वो अलग होगा, और जो आपका ये पांच होगा इसका अलग होगा। तो आपको मैं समझाऊंगा कौन सी पांच में क्या लेना है आपको। यहाँ पे M8 का लगाऊंगा तो कितने का हो गया, 8 का, तो मिनिमम यहाँ पे 6 से 8 हमें होना चाहिए, 6 से 8 हमें होना चाहिए, तभी जो है बोल्टिंग प्रॉपर हो जाएगा और साइड में आपको प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा। इसीलिए हम 15 mm के आसपास रखते हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं पांच कितना होना चाहिए, ठीक है क्लियर है। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये जो मेरा मटेरियल है यहाँ पे इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, एक एक करके बनाता हूँ आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा, तीनों एक साथ बना लूंगा आपको भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो 70 mm की जगह मैं इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ मेरा स्टीपर प्लेट भी चलने वाला है ठीक है इसको गाइड करने के लिए, तो यहाँ पे जो है मैं इसको 80 mm का रख रहा हूँ ठीक है। और इसको हम कर देंगे मिरर प्रोफाइल, मिरर ठीक है। मिरर करने से पहले जब भी यहाँ पे देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल है ना ये रेडियस में डालना है आपको ठीक है, कितने का डालना है, मिनिमम 1.5 आपको डालना है। रेडियस में क्यों डालना है, मैं क्यों रेडियस की बात करता हूँ, कभी भी रेडियस में अगर कुछ चीज़ें चलाते हो ना तो वायर एंड टीयर जो होती है ना बहुत कम होता है, तो आपको कोशिश ये करना है कि एजेस जो है ना रेडियस में आए ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो ब्लॉक होगा इसकी जो डाई वाला ब्लॉक होगा उसको कैसे काटोगे, ये वाला ये तो फेंस तो होगा नहीं ना, ये कितने का रेडियस है, मान लो यहाँ पे मेरा रेडियस जो है देखो समझने की चीज़ बता रहा हूँ, दो का है चार, मतलब चार का टूल आप 80 mm तक नीचे डाउन मशीनिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तो इसको कैसे बनाओगे, इसको वायर कट से बनाओगे, तो वायर कट से बनाओगे ये वाला एरिया में कितना होना चाहिए, वायर कौन सी होती है, ब्रास का होता है ना, तो ब्रास मेटेरियल होती है जहाँ पे इसकी वायर जो होती है 0.1 से लेकर 0.3 कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.3 तक का ब्रास आता है ठीक है। तो मैक्सिमम केस में हम 0.3 का हम डायमीटर का ब्रास लगाते हैं इसको काटने के लिए, 0.3 का ब्रास लगाते हो बाई 2 करता हूँ ना, तो कितने का वायर रेडियस आता है, 0.15 का जो है माइनूट सा रेडियस तो कोने में छोड़ देता है ठीक है, वो रह ही जाता है जितना भी कोशिश कर लो। तो आपको भी कभी इसलिए भी जब भी पांच बनाते हो ना माइनूट सा रेडियस यूज करके बनाओ अगर पॉसिबिलिटी है, तो अगर वो बना देते हो तो बेहतर मतलब बहुत बढ़िया है, तो इसको दिमाग में लेके आपको चलना है ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में जो वायर होता है कौन सी मेटेरियल का होता है और कितने रेडियस का होता है और कहाँ कितना, अभी याद रह जाएगा ना सारा सीधे मैंने आपको बता दिया हो। अभी हम जो है इसको मिरर कर देंगे, देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे वीडियो में, आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। सॉलिड बॉडी ठीक है, बहुत दिन हो गया था मैंने कोई डाई के लिए जो है बढ़िया सा वीडियो नहीं बनाया था, तो आज सोच रहा मैं एक वीडियो बना दूँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये पंच आ गया ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कलर सेंस कर देंगे, कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं तो आप बाद में जब डाई आपकी बड़ा हो जाएंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन ले आएंगे ठीक है। मैं रेड कलर में कर दिया ठीक है। ये आपको जो ये पांच होगा ना इसको नीचे ले जाना, इसको ऊपर करना ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पांच से मेरा काम हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे दो क्यों बनाया, इसका भी मैं जो क्वेश्चन है ना इसका भी मैं जो क्लास लेता हूँ, मैं क्लासेस में सिखा रखा हो, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए ठीक है। यहाँ पे एक से भी मेरा डाई बन जाता, मतलब इतना भी बना लेता ना मैं ये वाला, इतना एरिया भी बनाता ना तो मेरा तो काम हो जाता, मैंने यहाँ पे दो क्यों बनाए, ये कमेंट सेक्शन में बताना है जिसको भी ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसको भी नॉलेज है ठीक है। अब देखो अब ये मेरा हो गया, अब मेरा जो है यहाँ पे बेंडिंग टूल बनाऊंगा, बेंडिंग डाई बनाऊंगा ठीक है। बेंडिंग डाई कैसे बनानी है, तो बेंडिंग के लिए आप क्या दिमाग में रख के बनाना है ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इतना बना दिया है, अब यहाँ पे जो मेरा बेंडिंग डाई है तो उसका भी तो मुझे बनाना पड़ेगा है ना, बेंडिंग डाई भी मेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको जो है ना यहाँ से लेके एक स्केच ले लूँगा सिंपली ठीक है। तो स्केच लेने के बाद देखो अभी कहानी समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ठीक है। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ से इतना डाई बनाऊँगा इतना सा ठीक है। तो यहाँ देखो एक चीज और है, कभी भी जब डाई बनाओगे ना ये यहाँ से वेंडिंग डाई ना पूरा एज में ख़त्म नहीं करना है, लगभग 2 से आपको 3 mm ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे मैं 2 mm जो है एक्स्ट्रा रख रहा हूँ ठीक है, 2 mm एक्स्ट्रा रख रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं कि ये यहाँ पे पूरा एक्यूरेट यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए आपको। तो इसको जो है हम कितना एक्स्ट्रा रखेंगे, देखो
मैं अब आपको मैंने लास्ट टाइम में बोला था कि एस से जो है लगभग इतना एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मेरा भरपूर मेटेरियल है, मतलब मेटेरियल मेरा भर भर के है, लगभग 20-22 mm है। तो 20-22 mm में मेरे को इतने में ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को इतना रखना है यहाँ से मेरे को इतना ही रखना है, यहाँ से मेरे को इतना ही रखना है कि थोड़ा सा एरिया बना रहे। जैसे कि यहाँ पे 7 है, अगर मैं इसको दूंगा ना 22 point something कुछ पॉइंटों में आ जाएगा, तो ये हमेशा ये पॉइंटों में नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉइंटों में इसको रखना नहीं है, तो इसको हम राउंड वैल्यू रखेंगे, तो इसको हम कर देंगे 22। क्लियर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, ठीक है। मैं 20 का रख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पांच और दूसरी पांच के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको पता करना है, और यहाँ पे हल्का सा रेडियस यूज करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो एक पांच और दूसरी पांच के बीच में आपको जो भी है आप पता करना है, उसके बाद जो है हम इसको एरे कर देंगे। क्लियर है। तो दोस्तों आप लोग चीजों को समझना थोड़ा बढ़िया से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट जो है। 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 26 के अराउंड होंगे। हाँ 26 mm के अराउंड है, देखो आप, ठीक है। तो 26 mm जो है मैं इसको इस तरीके से इसको मैंने रख दिया है, और उसके बाद जो है इसको मैं कर दूंगा एक्सट्रूड। कितना एमएम का, नीचे भी एक्सट्रूड करना है, इसको ऊपर भी करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीचे भी रखना है, नीचे को इसको कैसे रखना है मैं बता देता हूँ आपको। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये जो पंच है इसको मैं हाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाइट कर दिया। अब यहाँ पे एक रेप्लिका जनरेट करना है आपको, इसकी एक ना रेप्लिका जनरेट करना है। कैसे करना है आपको, ऑफसेट सरफेस से करना है। आपको क्या करना है, ये वाला जो फेस है ना, यहाँ पे सिंगल फेस ले लेना है, और यहाँ पे इसको जीरो कर देना है। ये वाला एरिया को आपको सिलेक्ट करना है, एक ही को भी सिलेक्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ही कर देता हूँ, आपको कॉन्फ्यूजन ना करता हूँ। तो एक ही कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है ना, इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा हूँ, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे ये आपका जो, ठीक है, इसको मैं डिले टेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड सरफेस कर देता हूँ, ठीक है। 100 का नहीं, इसको हम कर देते हैं 20 का, ठीक है। और 20 का कर दिया इसको हमने, और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, जो पंच है ना, इन पंच को काटना है आपको। देखो यहाँ पे कम हो गए, ठीक है, तो इसको भी हम और एक्सटेंड कर देंगे ये वाले एरिया को, क्योंकि कमी कमी ना हो जाए मेटल में, ठीक है। यहाँ वाले एरिया को हम, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, आपको ट्रिम बॉडी कर देना है। ट्रिम बॉडी लाइक इसको सिलेक्ट करना है, इन बॉडी को सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे फेस लेना है, ये वाली फेस सिलेक्ट करके आपको ट्रिम बॉडी कर देना है, और यहाँ पे इसको रिवर्स डायरेक्शन करना है। मेरा प्रीव्यू ऑफ है इसलिए पता नहीं चला मुझे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये बॉडी भी आपको डिलीट कर देना है। क्लियर है, क्लियर है। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपको रेडियस यूज करना है, कितना रेडियस यूज करना है। अगर आप 1.5 का आपके पास रेडियस है तो आप आराम से चला लो, कम भी कर सकते हैं, 1 mm भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 1.5 हो, लेकिन रेडियस जरूर यूज करना है आपको, क्योंकि ये आउट ऑफ क्या है, ये बाहर का एरिया है, तो यहाँ पे रेडियस यूज करना है आपको, ठीक है। 1.5 का मैं यूज कर रहा हूँ। देखो मैंने रेडियस तो यूज कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे मेरा पार्ट की इंप्रेशन आ रहा है ना, लेकिन इस एरिया में मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, तो इसको मैं कट आउट कर सकता हूँ। यहाँ इस वाली एरिया को मैं कट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो कट आउट कैसे करूँगा मैं, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ें आप जितना जल्दी समझ लोगे ना इतने आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। मेरा देखो ट्रिम सिलेक्ट करने से समय से यहाँ पे ये जरूर देख लेना कि कीप टूल है, या यहाँ पे हल्का से और नीचे ले आऊंगा मैं, -5 -2 का ले आता हूँ, ले आए, और यहाँ पे आप रेडियस यूज कर लो, ठीक है। क्लियर, किसी को कुछ डाउट, आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरीके से बनाना है इसको, ठीक है। यहाँ पे ये पतला ना हो जाए, ये एज जो होगा ना बहुत पतला हो जाएगा अगर आप उसको रेडियस नहीं दोगे, और यहाँ पे इस तरीके से आप नहीं बनाओगे तो। और इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा हल्का सा ना 2.5 का कर देता हूँ, और यहाँ पे रेडियस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पंच ब्रेक नहीं होना चाहिए, और पंच को हम जो है हार्डन करेंगे,
और अभी उसके बाद जो है ना इसको हम कर देंगे मिरर। देखो मैं जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा करता हूँ, लेकिन चीज़ें को ना बेहतर एक्सप्लेन करवाता हूँ, इसलिए जो मैं कंटेंट कराता हूँ लगभग दो दो ढाई ढाई महीने का कंटेंट होता है, और इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा, है ना। देखो मेन चीज़ें होता है आपको सीखना, ठीक है, कैसे भी सीखो, ठीक है। इसका हम जो है ये कटिंग पांच है, ये बेंडिंग पांच है, तो हम दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो ये जो आप बोलोगे सर इसमें थोड़ा सा ये इधर है, आपने इसको ऐसे क्यों बनाया, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनेंगे। मेरा मेन जो एप्लीकेबल एरिया है ना ये रेडियस वाला एरिया है, और इतना ऐसा एरिया है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं लाइब्रेरी से सिखाता हूँ, लाइब्रेरी से मतलब जैसे मैं प्रोग्रेसिव बिजनेस लाइब्रेरी से सिखाता हूँ, जो मेरा क्लासेस होती है उसमें क्या होता है आपको बहुत इजी हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे प्रोग्रेसिव बिजनेस से जाओगे तो यहाँ पे जो इंसर्ट है उसको सिलेक्ट करके आप फंड्स में स्पेस को सिलेक्ट कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक इस फंड्स को लेके मतलब स्पेस को लेके एक फंड्स आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया होता है वहाँ सीखने का। लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअल सिखा रहा हूँ क्योंकि सबके पास प्रोग्रेसिव बिजनेस की लाइब्रेरी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो बहुत लोग यूज नहीं कर पाएंगे। मैनुअल देखोगे अगर मैनुअल में फाइल शेयर कर दूंगा तो आप मैनुअली बना सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैनुअली करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो करा रहा हूँ इसीलिए, क्यों, मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही है कि दो बनाने से क्या फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं दो ही बनाऊंगा, तो यहाँ जो है आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं सारा चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है हम 20 का कर दूंगा, मैं 20 का पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एरिया है देखो मिनिमम 15 के लिए बोला था मैंने आपको, तो यहाँ पे 15 का मिनिमम रखना है, और यहाँ से आपने को 2 mm रखना है एक्स्ट्रा, है ना, 2 mm एक्स्ट्रा रखना है, क्लियर है। फिर इसको जो है हम कितने का हमने करा था, इसको 26 का था, 26 का जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। 26 का हम पैटर्न कर देंगे, क्लियर है। देखो मैंने कहाँ चीजें जो है मेरा कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो है आपका मेरा ऑब्जेक्ट जो है, मैं इसको 26 जो कर दिया मैंने, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा गलती हो गई, गलती क्या हो गया, 26 का पैटर्न नहीं करना है मेरे को, ठीक है। ये जो है 26 का नहीं होगा, कम होगा आपका 24, 23, ठीक है। एक आपको पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, अभी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा फिर बताऊंगा। हाँ इसको मैं फिलहाल के लिए ऐसा रख रहा हूँ, क्योंकि तो एक डाई से दूसरा डाई का बीच में जो डिस्टेंस होंगे वो 26 का नहीं है, तो एक बार हम कैलकुलेट कर देते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। 40 mm एक फेस से दूसरा फेस का तक है, यहाँ पे जो है मेरा पार्ट कितने का है और यहाँ पे गैप कितने का है ये मेरे को देखना है, मतलब मेरा पिच डिस्टेंस कितना है वो मांग रहा मैं, 17, ठीक है, 17। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, जो जिसमें स्ट्रिप लेआउट करा है ना उसको पता लग जाएगा, उसने वहां पे लिखा लिख रखा होगा अपने वैल्यू में, 27 + 3 मतलब हो जाएगा मेरा 23 का हो जाएगा, 26 का नहीं होगा। तो मैं इसको जो है 3 mm जो है ऑफसेट कर दूंगा, इसको भी कंट्रोल टी, फिट बॉडी की जगह इसको मैं सॉलिड बॉडी रखूंगा, 3 mm ऑफसेट करना है, समझ गया ना, 3 mm कैसे मैंने निकाला, इसका जो है 17 mm है और ये जो गैप है 6 mm का है, तो मेरे को कितना करना पड़ेगा, 23 का 17 + 6, ठीक है, इस तरीके से बनेगा वो, ठीक है। कंट्रोल टी, तो यहाँ पे मूव को वन कर दो, mm जो है इधर खींच जाएगा, ये ध्यान रखना है ये दोनों एरिया को इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे को कितना रखना होगा, 23 mm का। तो अभी जो है मैं इसको मिरर मारूंगा, दोनों साइड मिरर है, मिरर मारने से पहले इसको जो है हम इसकी एक रेप्लिका निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका जो पार्ट है इसको आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे भी इस साइड भी एक्सटेंड करेंगे, इस साइड भी हम एक्सटेंड करेंगे,
ठीक है, तो ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब इसके बाद जो है इसको लेके हम देखो, यहाँ पे जो प्रोफाइल है ना, यहाँ थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो इसको हम जो है काट देंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, रिव्यू करके देख लो, इसको हम जो है मिरर करके ओके कर देंगे। क्लियर है? तो अब जो है इसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पे इसको ट्रिम कर देना है, या ट्रिम कर दो या ऑफसेट कर दो ऊपर से, ठीक है, कोई भी एक कर दो आप। कार को इधर आ गया, मेरा कार इधर आना चाहिए, तो इसको जो है मैं ऑफसेट कर दे रहा हूँ यहाँ से, लगभग कुछ 60 mm करना है आपको, मैं 10 mm का कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, रेडियस ऐड कर देना है। क्लियर? ये थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, ये जो है ये मोटा रखना है थोड़ा सा। और हर जगह में आपको क्या करना है, 1.5 का मैं रेडियस लेता हूँ, ठीक है। ये जो है मेरा पंच हो गया। अगर आपको ये पतला लगता है तो इस एमएम से आप मत कर दो, मिनिमम 8 mm जो है ये होना चाहिए, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगा। क्लियर रहेगा ये चीज़ें? कितना होना चाहिए, ये 8 mm का रख देना, ठीक है। 8-6 mm तो मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 8-6 mm मिनिमम होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप रख लो इसको 8 mm का, ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। एज थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान रख बनाना है, ठीक है। अब इसको जो है हम क्या कर देंगे, 23 mm का क्या कर देंगे हम इसको, देखो पैटर्न से कर देना, हिस्ट्री रह जाएगा, मूव से करोगे तो हिस्ट्री हट जाएगा, आपको पैटर्न से यूज करना है, ठीक है। तो ट्वेंटी थ्री एमएम का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो आप, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे शीट बॉडी है, इसको मैं शीट बॉडी को हटा के सॉलिड बॉडी कर लेता हूँ, पैटर्न ज्योमेट्री थोड़ा सा एनएक्स में इश्यू सा हो गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पैटर्न ज्योमेट्री यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शीट बॉडी की जगह सॉलिड बॉडी, कभी कभी एनएक्स भी दिक्कत हो जाता है। और यहाँ से जाके हम इसको 23 mm का हम क्या करेंगे, पैटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे देख लो 23 mm का पैटर्न हो चुका है। तो यहाँ पे जो है इसको हम कर देंगे मिरर ज्योमेट्री। क्लियर? अगर आपको लगे कि ये मेरा थोड़ा सा पतला है तो आप इसको जो है 1-1 mm का ऑफसेट भी कर सकते हो, 2 mm मोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पंच ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये क्लियर रखना है, जो पंच है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रेक होगा तो देखो, जब भी टूल बनाओगे आपको मेंटेनेंस के हिसाब से भी सोच के बनाना होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस होता है उसके हिसाब से भी सोच के बनाना होता है। और यहाँ से हम सीधा बोल्टिंग कर देंगे, एमएच का बोल्टिंग कर देंगे, यहाँ 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 और यहाँ, दो बोल्टिंग इधर, दो बोल्टिंग इधर, एमएच का बोल्टिंग करके इसको हम पंच को बना लेंगे। अब कंट्रोल जे करके जो मेरा पंच है, पंच को मैं अलग अलग कलर में आइडेंटिफिकेशन इसलिए कर रहा हूँ, इसको जब भी बनाऊंगा मुझे इसकी वायर कट का डाटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वायर कट का डाटा बनाऊंगा तो मेरे को अलग अलग कलर से मैं समझ जाऊंगा कौन से वाले पंच मेरा किसका है, या नहीं तो यहाँ पे नंबरिंग कभी कर सकते हो आप, ठीक है। अभी नंबरिंग नहीं करेंगे, अभी तो हम बना रहे हैं, बाद में हम जब उसकी वायर कट फाइल बनाते हैं तभी हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक नया फोल्डर बना के, प्रोग्रेसिव डाई करके, पीडी करके, ठीक है। और इसको अंदर जो है मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है, पीडी करके, ठीक है। अब हम जो बनाएंगे, अब हम बनाएंगे नीचे की डाई वाले पोर्शन बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। जो अभी जो हम बनाएंगे इसकी डाई इंसर्ट बनाएंगे, क्लियर। देखो तो सबसे पहले जो है हमने पंच बना लिया, अभी हम डाई इंसर्ट बनाएंगे। जिसको भी क्लासेस लेना है प्रोग्रेसिव डाई का या कूलन डिजाइन का, तो वहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है, वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सर प्रोग्रेसिव भी कराता हूँ, बेंडिंग, पंचिंग, पियर्सिंग, फॉर्मिंग, रिस्ट्राइकिंग, सारा टूल कराता हूँ, कंपाउंड टूल भी कराता हूँ, प्रोग्रेसिव टूल भी कराता हूँ, मैनुअली भी कराता हूँ, विजेट से भी कराता हूँ। जिसको भी क्लास वगैरह लेना है, नीचे नंबर मेंशन है, वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो,
ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिप है उसको मुझे एक वो बनानी है, स्ट्रिप के अंदर जो है मुझे एक सीजे बनानी है, जो मेरा डाई इंसर्ट है मुझे वो बनानी है। अभी मैं डाई की इंसर्ट बनाऊंगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ से एक ब्लॉक लूंगा। अब ब्लॉक मैं रेंडमली ले रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा सेंटर है तो यहाँ पे आप देखोगे 28 mm है एज से, मतलब यहाँ से जो है इसको मुझे एक डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से रखूँगा 55 mm का, ठीक है। और 55 mm में रख रहा हूँ, और यहाँ से ये भी देखना है कि 8 से 10 mm गैप में हो, ठीक है। 9.6 है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 8 से 10 mm होना चाहिए, ठीक है। 8 mm है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको कर दूंगा 55 55 110, ठीक है, 110 कर दिया मैंने इसको। अब उसके बाद जो है इस एज से मेरा कितना है, 35 है। अब मैं इसको राउंड वैल्यू रखने वाला हूँ, तो ये मेरा यह हो जाएगा 35 + 120 / 110, ठीक है। 120 कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 120 mm का मैंने कर दिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने 120 mm का मैंने यहाँ पे एक जो ब्लॉक बनाया है, अब जो ये 20 mm है इसको आप हटा दो पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे 20 mm आपने हटा दिया है, लेकिन चीजें सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, सही इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये वाला फेस जो है ना अनटिल एक्सटेंडेड लेके यहाँ तक ले जाना है आपको, क्लियर है। उसके बाद जो है आपको एक ये बॉडी लेना है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत काम आएंगे, मिस करोगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे शीट बॉडी की जगह सॉलिड बॉडी लेना है। सॉलिड बॉडी लेके ये वाला ब्लॉक लेना है। लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है ये वाले ब्लॉक को, हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मेरा स्ट्रिप जो चलने वाला है उसकी प्रोफाइल बन गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दो बोल्टिंग करना है। बोल्टिंग के लिए मेरे पास सफिशियंट जगह होना चाहिए पहली बात, तो यहाँ पे दो बोल्टिंग करूंगा, मेरे पास सफिशियंट जगह है। तो आपको ये वो कंफर्म करना है मेरे पास सफिशियंट जगह है या नहीं है। और दूसरी चीज जो है यहाँ पे इसकी बीच में जो है बहुत कम गैप आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है मैं यहाँ से -2 mm का मैं पीछे कर दूंगा, या -5 mm कर दिया मैं, ठीक है। कि यहाँ पे दूसरा ब्लॉक के जगह में मेरे को गैप सही है, ये इतना एरिया हो गया मेरे लिए काफी है, क्लियर है, क्लियर है। अब जो है हम जो ब्लॉक बनाएंगे, ये मेरा ब्लॉक जो होगा ये पांच कितने नीचे जाएगा वो भी देखना है मुझे, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है, पहले आपको देखना है आपका जो प्रोफाइल है वो कितने का है, मतलब कितने का थिकनेस का है। 1.6 mm है ना, 1.6 mm ये हो गया। और नीचे से आपको क्या करना है, अराउंड में 41.6 मतलब 40 mm का थिकनेस का रखूंगा। वो कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए आपको जो पंच है और जो स्टिपर प्लेट के है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो चीजें। देखो यहाँ से जाके अगर किसी को कुछ चीजें पूछना है तो बेहिचक पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। 41.6 रखना है, ठीक है, 41.6 रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, डाई इंसर्ट हो गया मेरा। अब डाई इंसर्ट में आपको क्या करना है, ये जो प्रोफाइल है ये प्रोफाइल को आपको नीचे ले जाना है, ये प्रोफाइल को। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोफाइल को नीचे ले जाऊंगा और यहाँ पे मैं लूंगा रीजन बाउंड्री। रीजन बाउंड्री लेके यहाँ पे लेके 80 mm ले लिया, सो दैट आई कैन सब्ट्रैक्ट दैट थिंग। तो मैं यहाँ पे इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्लियर है। तो मेरा ये डाई की इंसर्ट जो है बन गया है। अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट यू करके ले आता हूँ, और यहाँ पे जो बोल्टिंग करना है, बोल्टिंग कौन सी वाली प्लेट के साथ करना है, नीचे वाली प्लेट के साथ, वो कैसे करना है मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज और है, जैसे यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, ये वाली जो एरिया है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं इस ये यहाँ पे ये प्रोफाइल जो है ना इसको मैं रिप्लेस करके मैं इसको इस प्रोफाइल को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, सॉरी इसको जो है ना यहाँ पे यहाँ तक ले आ रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं भी लाओगे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर लाते हो तो फिर क्या है गाइड करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोफाइल जो ये काट देगा ऑलरेडी, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको, क्योंकि ये जो है आपका फेम से होने वाले वाला, ये वाले एरिया में आपका 90 प्रोफाइल है, तो वहाँ पे एन मिल टूल चल जाएगा, एन मिल से लेके हम इसको वो कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। इसको इतना कर दिया, अभी हम जो है ना इसकी डाई नीचे का जो डाई प्लेट है ना वो बनाते हैं, डाई प्लेट बनाते हैं। तो डाई प्लेट बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, सॉरी इसको आपको रीजन बाउंड्री को हटाना पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल ले लेंगे, डाई प्लेट बनाऊंगा तो आपको बोल्टिंग भी समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं डाई प्लेट बना रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है, तो यहाँ पे इसको हम एक प्रोजेक्ट कर लेंगे पहले, तो ये वाली लाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इसको, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं ऑफसेट कर दूंगा ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा यहाँ पे गाइड बुश भी आएंगे, दो गाइड बुश आएंगे, तो इसको मैं 50 mm का पारेज लगूंगा, मतलब 45 का मेरा गाइड बुश आता है, ठीक है। तो 45 का गाइड बुश आएगा तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा मैं, ठीक है। और उस 13 mm के बाद 313 है, इसको हम एक डिस्टेंस दे देंगे यहाँ से 313, और यहाँ से क्योंकि प्लेट आपका एक्यूरेट आना चाहिए, तो मैं क्या कितना कर दूंगा, 340 का कर देता हूँ, ठीक है, 340 का काफ़ी है। तो इसको जो है 340 करके यहाँ पे भी इसको मैं मैक कॉर्नर कर देता हूँ, क्लियर है। अब ये जो प्लेट आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसकी जो हम थिकनेस देंगे, अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, अभी इसके जो थिकनेस दूंगा 30 mm की आसपास, क्योंकि बोल्टिंग होने वाला है, 12 का लगाते हैं हम नीचे से, हम 12 का लगाओगे तो थोड़ा सा इसको मैं कलर कर देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, तो हम कलर कर देते हैं दूसरा वाले कलर में, लेट्स से मैं इसको ये वाला कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम सारा चीज़ें ले आते हैं, अब मैं जब इसके बोल्टिंग भी कराऊंगा अभी भी आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलने का जा रहा हूँ। अभी मैं उसमें ड्राफ्ट भी दे सकता हूँ, तो अभी मैं इसलिए वहाँ पे काम नहीं करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला ब्लॉक बनाऊंगा, अब इसकी जहाँ बोल्टिंग की बात कर रहा था मैं, तो बोल्टिंग कैसे करना है, यहाँ पे एक साथ बोल्टिंग करा दूँ या अभी से करा दूँ, बात तो एक ही है, अभी करा देता हूँ मैं आपको बोल्टिंग का भी। देखो बोल्टिंग कैसे करना होता है, बोल्टिंग हमेशा जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर से देना चाहिए, मतलब एज से देना चाहिए आपको। तो मैं कितना कर दूंगा, लगभग 12 mm का कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो कर दे रहा हूँ मैं 20 mm के आसपास, नहीं 15 mm के आसपास, ठीक है, 16 mm कर देता हूँ, और ये जो है 12 mm, एक्चुअली मैंने कर दिया था, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे भी। और इसको जो है यहाँ से भी आपको कुछ रखना है ना, 12 mm, ठीक है। और साइड से आपको, अगर सिमेट्रिक होगा तो अच्छी बात है, अगर सिमेट्रिक करते हो ना तो अच्छी बात है, अगर सिमेट्रिक नहीं होता है ना तो फिर बाद में आपको वो चीज़ें दोबारा से, अब इसको हम मिरर कर देंगे। सिमेट्री होता है तो फिर जब भी आपको कन्वेंशनल काम करते हैं, जो भी राइट फिटर आपके लिए कन्वेंशनल काम करते हैं उसके लिए इजी हो जाती है, नहीं तो बार बार उसको आपको डिटेल देना पड़ता है। और अभी कभी भी अगर आप कन्वेंशनल का ड्राइंग बनाते हो, आपको पता है ना कैसे ड्राइंग बनाते हैं, तो आपको डिटेलिंग देना पड़ेगा, फिर आप जो है, आप भी परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे, बात तो एक ही होगी ना, आप भी परेशान हो गया, वो भी परेशान हो गया। यहाँ पे हम जो है इसको होल सीरीज लगाएंगे ना, M8 का होल सीरीज से मैं वोल्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम एम एक करना ही है, ठीक है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं नेक में नेक चैम्फर जो कर देता हूँ, और एन चैम्फर जो है एनेबल है, ओके कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बोल्टिंग करेंगे इस प्लेट के साथ दूसरी प्लेट के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला प्लेट की तरीका। अब इस प्लेट में देखोगे तो नीचे से आपको कट लगाना पड़ेगा पंचिंग के लिए, आपको ये जो कट है यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे आप ड्राफ्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे हल्का सा ड्राफ्ट ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई ड्राफ्ट बेसिकली ऐड नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत लोग करते हैं, बस करना सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं रीजन लेके तो भी मैं फिलहाल के लिए कट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यू कर दिया, और यहाँ पे सब ट्रैक में जाके, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से कट कर दिया। ये मेरा कौन सी प्लेट हो गया, डाई बेस हो गया, ठीक है, डाई बेस प्लेट हो गया। ये मेरा कौन सी हो गई, डाई पंच हो गई, ठीक है, ये मेरा पंच हो गया, ये स्ट्रिप हो गया मेरा, क्लियर है। अभी बनाते जाऊँगा सारा चीज़ें, आप देखते जाओ कैसे कैसे बनाते जाता हूँ मैं। अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये है, ये वाला पोर्शन है, इसको पोर्शन को बनाने के लिए मेरे को यहाँ तक एक ब्लॉक बनाना है। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगा एकदम, आप बताओगे हाँ सर बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे मेरा जो जो ब्लॉक है ना, वो यहाँ पे थिकनेस भरपूर रहेंगे, लेकिन यहाँ तक जो है इसकी जो बोलो कोर, बोल लो पंच की जो कोर होगी,
क्योंकि जो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा तो उस एरिया में मेटल ज्यादा होंगे और बाकी एरिया में मेटल कम होंगे। ठीक है, अब यहां पे लेके हम जो है इसको क्या देखेंगे, अभी आप हाइट कर दो एक बार। अब आप जो है इसकी थिकनेस बढ़ा दो, ये वाला जो थिकनेस होगा ना इसको मैं ज्यादा बढ़ा दे रहा हूँ, मैं भी कट करूंगा, फिलहाल के लिए आप बढ़ने दो जितना भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए हम जो है इसको बढ़ा दे रहा है, क्लियर। अरे हम बढ़ने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, फिर हम इसको एक बार में ठीक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ मिस कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ मिस कर दिया कुछ हमने, हम मिस कर दिया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इसको जो है हम इसको ठीक करने का इलाज दिखाता हूँ मैं आपको, इसको ठीक करने का इलाज है ये 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 ऐसे कर दो, फिर इसको एक्सटेंड कर दो आप। ठीक है, याद रह जाएगा ना चीजें कैसे बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पे भी आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वाला एरिया जो है उसको भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ तक बना दिया है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं प्लान ले रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कैंसिल करके नया एक प्लेन ले रहा हूँ, पॉइंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट एंड डायरेक्शन, पॉइंट मेरा ये हो गया। मैं क्या करूँगा, इससे कुछ एरिया जो होगा ना नीचे लूँगा मैं, कितने में नीचे लूंगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। बैटिंग होता है कुछ एरिया, बैटिंग करने के लिए आपको नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेक्ट करके आपको करना क्या है, ये जो फेस है ना इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे न्यू प्लेन लेके ऐसे डिस्टेंस कर देना है। जब आप ऐसे डिस्टेंस कर दोगे ना, मान लो 6 mm जो है मैं नीचे से काट कर दूंगा इसको। ठीक है, क्लियर है, 6 mm जो है नीचे से मैंने काट कर दिया है। अब अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी ट्रिम करना है आपको, इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या करना है आपको, इस फेस से लेके 2 mm डिस्टेंस में इसको काट कर देना है। क्लियर है, मतलब 2 mm का हम इसमें क्लियरनेस रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, 2 mm काफ़ी है। तो यहाँ पे इसको हम हाइट कर देंगे और ये जो है हाइट कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं डिले टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। कौन से यूज़ कर रहा हूँ, डिले टेस्ट लेके मैं इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ। अब मैं सभी को ले आता हूँ, सभी को ले आने के बाद देख पा रहे हो मैं यहाँ पे इस फेस है ना, इस फेस में आप देखोगे यहाँ पे ना, एक बार ऐसे दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो ये चीजें आ रही है, तो ये चीजें आ रहा है ना, तो मेरा तो पंच यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ, मतलब यहाँ इस एरिया में खत्म कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ले आते हैं, जैसे यहाँ पे ये खत्म हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा। देखो ट्रिम भी करोगे ना, जो पंच होगा वो राउंड वैल्यू रखना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं आप ट्रिम करते चक्कर में जो पंच है उसको आप राउंड वैल्यू रखा ही नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें कितने का है, ठीक है, अगर वो चीज़ें सही से नहीं चेक करोगे तो फिर आपके लिए भी दिक्कत हो जाएंगे। अभी मैं पहले इसकी देखो यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, इसको मैं अभी भी पीछे कर दूंगा एक रुपया, पहली बात। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कर दूंगा एक्सट्रूड इधर से साइड, इसको ये हटा दो आप पहले तो। ठीक है, यहाँ तक करना है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो अंटिल एक्सटेंड तक मैं सेम रखूँगा, क्योंकि बाद में हिलने विलने का दिक्कत ना हो। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, ये फेस और ये फेस जो है अंटिल एक्सटेंडेड करके यहाँ तक ले जाना है। क्लियर है, अब अपने को बाकी काम आपका पता लग ही गया किस तरीके से बनाना है, और यहाँ पे हल्का सा देखो रेडियस देना है, नहीं तो क्या मार्क आ जाएंगे, है ना। एन मिल चला लेंगे यहाँ पे इस फेस में, और यहाँ पे हल्का सा रेडियस लगा लो आप, रेडियस लगाएंगे अभी बाद में लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें इन दोनों के बीच में एक कर्व लेके इसको क्लोज कर दूंगा,
बेसिकली ये जिस कंपनी के लिए बना रहा था मैं, लगभग 1 साल हो गया है। मैं सोचता कि हाँ 1 साल हो गया, अब तो बना सकते हैं, क्योंकि टूल बनने के बाद टूल बन भी गया होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बना लेता हूँ तो दिक्कत हो जाती है ना। तो अब इसके बाद जो है हम इसको बाउंडेड प्लान से लगाना, बाउंडेड प्लान से ना बहुत ईजी हो जाती है, कि आप उस प्लान भी उस कैश भी ले सकते हो, प्लान भी ले सकते हो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो बाउंडेड प्लान ज़्यादा यूज करा करो, ठीक है। के बाद जो है यहाँ पे भी बाउंडेड प्लान ले लो आप। वीडियो पे आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, कुछ अगर कुछ पूछना होगा। ग्रैप इन मल्टीपल स्ट्रिंग्स तो हम इंडिविजुअल करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन सिलेक्ट हो गया था, एक ए लाइन भी सिलेक्ट हो गया, दूसरा वाला एज भी सिलेक्ट हो गया थी। इसकी चक्कर में जो है ये इसको हम सिलेक्ट करके क्या कर देना है आपको, सिलेक्ट करना है। ठीक है, सॉलिड बॉडी बन गया ये। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपको रेडियस ऐड करना है हल्का सा। इतना सा रेडियस ऐड कर लो कि वहां पे देखो 3 का चलाऊंगा ना, बड़ा टूल चलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 6 का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ा टूल चलाऊंगा, 12 का टूल चलाऊंगा, एटलीस्ट 12 का टूल चलाऊंगा ना, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं बड़ा टूल यूज करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 का रेडियस लगा रहा हूँ। ठीक है, 6 का रेडियस मतलब 12 का टूल चलाऊंगा मैं। 12 टूल चलाऊंगा तो जल्दी मशीनिंग हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये तरीका है आपको काम करने का। तो देखो यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पे इस टूल की ना साइज निकालना है मेरे को, कितने का आ रहा है, 110 40 90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे टचिंग हो रही है ना ये वाले एरिया। ठीक है, ये तो फिश को खराब कर देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको जाके 10 mm कर दिया मैंने ऑफसेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ये तस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये चीजें तस नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी वो चीजें तस नहीं होना चाहिए। कंट्रोल एल करके जो मेरा लेयर है, अभी तक मैंने डाला नहीं है कोई भी, इसको जो है मैं कंडेम कर दूंगा। ये मेरा पंच कटिंग टूल हो गया, पंच हो गया, ये मेरा बेंडिंग पंच हो गया। ठीक है, कंट्रोल एल करके 100 लेयर को ऑफ कर दिया। क्लियर है? इसको भी हम अलग कलर में हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि बाद में इसको भी ये भी जो है आपका काम आएंगे। इसको भी हम अलग कलर में हाईलाइट करके, अब लास्ट जो रह गया आपका ये वाला रह गया। ठीक है, इसको रह गया हम इसका भी हम बनाना पड़ेगा। देखो तीनों का अलग अलग है, अगर आप एक में बनाते हो ना तो आपके लिए मेंटेनेंस के हिसाब से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ खराब हो जाएगा तो हम इंडिविजुअल जो 5 को सेंस कर देंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आपको यार समझ में आ गया ना। देखो इसका भी बोल्टिंग करना है, पहले इसको बना लेते हैं, फिर हम दोनों का बोल्टिंग एक साथ करेंगे। ठीक है, इसको भी हाइट कर दो आप। देखो मैं जो बता रहा था, दोनों को अगर एक साथ करते हो, मतलब अलग अलग करते हो ना, अगर अलग अलग करने से मेंटेनेंस के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है कुछ। अगर मान लो ये वाला ब्लॉक खराब हो जाएगा, मैं ये सेंस कर दूंगा ये खराब होगा, ये सेंस कर दूंगा ये खराब होगा, ये सेंस कर दूंगा। अगर मैं एक साथ बनाता तो मेंटेनेंस के हिसाब से बहुत लंबा होता, एक सेंस करने के लिए पूरा ब्लॉक को सेंस करना पड़ता। आप समझ पा रहे हो ना, तो क्या फायदा, किसमें फायदा है। और मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। बहुत लोग होते हैं अपने करियर को लेके मतलब बहुत वो होते हैं, टेंशन में रहते हैं। देखो कभी कभी ना कुछ चीज़ें आपको चूज करना पड़ता है, मतलब डिसीजन लेना पड़ता है आपको। अगर आपके लाइफ में अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पाते हो ना, तो कोई आपको लाइफ में आके डिसीजन ले लेने वाला है। तो बहुत लोग जैसे कैसे होता है कि जहाँ सीख के कुछ चीज़ें नया करना होता है, कुछ चीज़ें नया सीखने के लिए होता है, लेकिन उसके पास क्या होता है, वो देने के लिए टाइम नहीं है कुछ चीज़ें करने के लिए उसके पास। देखो करना तो चाहता है हर कोई, लेकिन देखेंगे नेक्स्ट महीने देखेंगे, अभी सोचते हैं उसके बारे में, ऐसे नहीं होता है। डिसीजन अगर आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको डिसीजन ना लेने के जो पावर होता है ना, डिसीजन लेने वाला जो कैपेसिटी होता है वो होना चाहिए पहली बात। तो तभी आप अच्छा एक बिजनेसमैन मान लो एक अच्छा आदमी बन सकते हो। जो अपना डिसीजन जल्दी जल्दी नहीं ले पाते हैं ना, तो फिर बहुत कुछ चीज़ें ना चेंज हो जाता है टाइम के साथ। तो अपना डिसीजन लिया करो, और अपने हमेशा ना अपने आप को मतलब खुद के लिए कुछ ऐसा काम कर लिया करो, हमेशा खुद के लिए ऐसा कुछ काम कर रहे हो, मतलब आज के नहीं कल में काम आएगा आपका। मतलब अभी आप मान लो यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहे हो, जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तो हमेशा आपको
दिल्ली की तरफ जा रहे हो ना, आपको दिल्ली की तरह एक दो कदम आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अगर अगर एक दो कदम जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ना, वो आपको आगे काम आएंगे। तो अपना लाइफ में भी ऐसा कुछ चीजें करते रहो जो कल में आपके लिए काम आए, ठीक है? और कुछ चीजें करना है, सीखना है, अभी सीख लो, बाद में कुछ नहीं है। बाद में और डिफिकल्टीज आएंगे, बाद में और प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे आपको, लेकिन जो करना है वो ये अभी करना है आपको, ठीक है? कल तक मत छोड़िए, आज ही खत्म करना है। तो यहाँ पे हम जो है इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसको डिले टेस्ट करके देखते हैं क्या इसकी रिजल्ट देते हैं। नहीं आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। जल्दी से जल्दी डिसीजन लो चीजें को अपने जितना हो बेहतर हो सके। देखो आपका लाइफ जो है ना, आपको खुद बनाना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपके साथ, कोई खड़ा नहीं होंगे। आपके जो आपकी जब अच्छा टाइम होगा ना, आपके साथ सब होंगे। लेकिन अब आपके टाइम बुरा वक्त होगा ना, उसके टाइम आपके साथ कोई नहीं होंगे। तो आपके डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, आपके लाइफ में आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है, यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर देंगे। मैं यहाँ से ट्रिम नहीं करूँगा, मैं यहाँ से देखो अभी फिलहाल के लिए इसको यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ, पर आगे मैं यहाँ से नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे जब कट आउट होगा ना, तो पार्ट नीचे ड्रॉप होना चाहिए, है ना? और यहाँ से हम इसको 2 डिग्री दे देंगे, ट्रिम कर देंगे। ट्रिम यहाँ पे हम जो है इसको ऑफसेट लेके 2 mm से हम इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है? इसको जो है यहाँ पे खत्म कर दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यहाँ पे भी खत्म कर सकता हूँ मैं, ट्रिम कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करने में ठीक है। और यहाँ ये जो एज आ रही है ना, इसको आप डिलेट एज यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया कमांड है, आप ज्यादा यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ के लिए। क्योंकि देखो कुछ चीज़ करने का सही टाइम है, क्योंकि कल आप मान लो एक नया रिश्तेदारी में आप आ जाओगे, है ना? मेरा इन द सेंस, मेरा बोलने का तो मतलब ये है, कल आप मान लो आपके हरी हरी हो जाएंगे, है ना? उसके बाद आपकी बहुत सारा लाइबिलिटीज होंगे, तो उस टाइम आप कुछ कुछ चीज़ें जो है फाइनेंशियली, देखो आज जो आपका सिचुएशन है वो कल नहीं रहेगा। आपको जो करना है आज ही करना है, कल तक मत रखिए बहुत कुछ चीजें। जितना आज आप बेहतर कर सकते हो, कल आपके लिए वो चीजें फायदे होंगे। तो अपना फ्यूचर को लेके, अपना करियर को लेके कभी भी ना, कभी भी कोई रिस्क नहीं लेना है। हमेशा काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है आपको, ठीक है? ये तो आपको ऐसा तो नहीं कि हीट एंड ट्रायल मेथड से आप चलाओगे, है ना? हमेशा कोशिश ये करना है कि अपडेट रहना है आपको। अपडेट रहना इन द सेंस क्या होता है, अगर मैं अपने बात करूँ ना, मुझे कहाँ पे क्या चल रहा है, किसके हिसाब से चल रहा है, क्या मार्केट में सिनेरियो क्या है, उसके हिसाब से हमेशा मुझे आगे रहना है कि कल मेरे को कस कोई भी काम आए तो मुझे वो काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है? आपको भी उस हिसाब से आपको भी आगे रहना पड़ेगा हर मार्केट की तरफ से। आपको कंपनी में क्या चल रहा है, अभी क्या क्राइसिस चल रहा है, क्या चीज़ें का, उस तो चीज़ आपको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको आगे रहना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको टेंशन ले लेंगे और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देंगे, इसको हम जो है क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लियर है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ठीक कर देते, अब इसको हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड हो गया। अब आपको ये देखना है, सभी को ले आओ और जितना भी यहाँ पे प्लान है, डोटुम है, डोटुम को हटा दो आप, एक्सेप्ट सेंटर वाला डोटुम को लेकर, मतलब इसको इसको नहीं हटाना है, बाकी को हटा दो, अंडर लेयर में डाल दो। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, यहाँ से जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, कितने एमएम का है? 110 mm का है ना? 110 mm को मैं यहां से कम कर दे रहा हूं, ठीक
कम कर देना, यहाँ पे जो फाइनल वाला जो कटिंग पंच होगा ना, ये वाला जो मेरा कटिंग पंच होगा, तो कटिंग पंच होने के बाद ये पार्ट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा है ना। तो यहाँ से मेरे को एक ड्राफ्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा ब्लॉक होगा यहाँ पे, तो उसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा, 10 mm, मान लो 20 mm, नहीं 20 mm नहीं, 15 mm कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 15 mm से ये वाला जो पार्ट होगा ये मेरा ड्राफ्ट में आएगा, मतलब नीचे की तरफ से ड्राफ्ट में आना पड़ेगा इसको, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन लेना है, ठीक है, एक प्लेन लेना है, या इसको आप स्प्लिट कर लो। मैं तरीका दिखाता हूँ आपको कैसे, बहुत बढ़िया तरीके से। 15 mm आपको पता लग गया ना, 15 mm है। हम क्या करेंगे, सरफेस में जाएंगे, ये जो चीज है ना डाई, जैसे मोल्ड डिजाइन हो गई, दीवार सीलिंग हो गई, ये ऐसा चीज है ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा आपको पता नहीं चलेगा। अब इसमें अगर अपना एफर्ट दोगे, टाइम दोगे ना, तो आपको भी ये चीजें कहीं ना कहीं से कहीं और ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस फेस को मेरे को सिलेक्ट नहीं करना है, मैं इसको टेंजेंट की जगह सिंगल लूंगा, ठीक है। ये वाला फेस सिलेक्ट करना है मेरे को, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो मैं 10 डिग्री का टेपर दे रहा, 10 नहीं 15 डिग्री का दे रहा, कि पार्ट गिर जाए, इतना होना चाहिए, 20 डिग्री, ठीक है, पार्ट नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। इतना एरिया मैं इसको टेपर दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं यूनिट कर दूंगा अभी, बस हल्का सा रेडियस दे दो यहाँ पे, हल्का सा आप यहाँ पे रेडियस दे सकते, ठीक है। तो ये समझ गया ना आप लोगों को, किस लिए बनाया मैंने यहाँ पे। तो सारा चीज़ ले जाता हूँ, अभी मेरे को कटिंग टूल बनाना पड़ेगा, जो मेरा कटिंग टूल मतलब ये वाला कटिंग टूल के हिसाब से बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी कटिंग टूल मैं यहाँ बनाऊंगा और एक यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। दो दो मैं, हम देखो हर जगह में दो दो पांच बना रहा हूँ, मुझे कटिंग टूल पर दो जगह जगह बनाना पड़ेगा है ना। और यहाँ पे आपको रेडिया सेट करना है, देखना ये यहाँ पे टच तो नहीं हो रहा है ना, टच हो रहा है क्या, 5 का डालूंगा मैं, 5 में टच हो रहा है, 3 का डालता मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी रेडियस डाल दिया है, अब हम इसको बोल्टिंग करना है और यहाँ पे दो पंच लगाना है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग पंच बनाते हैं। कटिंग पंच में क्या से बनाना है आपको, यहाँ ये वाली फेस है ऊपर से बनाना है, सिंपल है एकदम। फिर मैं इसको मूव करूंगा, हाँ मैं कहाँ कहाँ बना रहा हूँ, मैं आउट इसकी बाहर वाले एरिया में बना रहा हूँ। देखो यहाँ इस रेडियस से मैं इस रेडियस तक ले रहा हूँ, कितने का है, से 13 mm का है, ठीक है। 13 mm जो है मैं साइड से 1-1 mm और बढ़ा दूंगा, कहीं भी बढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेफ्टी के लिए 0.5 0.5 मैं ज़्यादा रखूंगा ना, इसको 1 mm रखना है ना, 1 mm रखना है। और यहाँ से इसको कितना बड़ा करने के लिए बोला था मैंने आपको, 1-1 mm के लिए बड़ा करने के लिए बोला था मैंने आपको, 1-1 mm पार साइड हम बड़ा कर देंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का सा 0.5 0.5 का रेडियस मार दो, क्योंकि यहाँ पे छोटा है। देखो इसकी जो पंच है ना, ये पंच जो है इसका अलग होगा आपका, मतलब इसका जो, समझाता हूँ अभी आपको समझ में, इसका जो आपका बोल्टिंग होगा ना, बोल्टिंग नहीं होगा इसमें, इसमें आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसको हम नीचे ना टी से बनाएंगे, टी बनाएंगे इसके, हम टी मतलब ऊपर नहीं लगाएंगे, उसके अलग से ना कॉलर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से एक साफ घुसा के इसको लॉक करेंगे। तो ये तरीका भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न कर देते हैं, 23 mm है, आपको पता था पहले से, हमने 23 mm कर रखा है, इसको डायरेक्शन देंगे ये वाला, 23 mm हो गई। उसके बाद जो हम इसको मूव कर देंगे, ये मेरा कौन सी पंच हो गया, कटिंग पंच हो गया ना मेरा, ये कटिंग पंच हो गया। कटिंग पंच को हम कौन सी कलर में रखना है, रेड कलर में रखना है, ठीक है। आपको पता है कि नहीं कौन सी में, जब भी हम ड्राइंग बनाते हो ना, तो कौन सी कलर में रखना चाहिए मॉडिफिकेशन टूल में, येलो क्या कलर होता है, रेड क्या होता है, ब्लू क्या होता है, पता होता है ना ये सब चीज़ें। येलो जो होती है ना होल के लिए हम यूज़ करते हैं, रेड हम जो होता है ना मशीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ब्लू जो हम करते हैं ना वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसकी टूल जो है हम बना दिए, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये वाला चीज जो है कट देगा आपका फाइनल में। अभी इसका बोल्टिंग करना है, 2-2 mm का बीच में मैंने गैप रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल्टिंग करना है,
आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, है ना। अगर आप सही रेस्पॉन्स दोगे तो इसके आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा। देखो मैं जो क्लास लेता हूँ 16 mm का, नहीं ये हो गया आपका 12 mm का अप्रोक्सीमेटली, और ये हो गया आपका 16 mm का, ठीक है। 16 नहीं, इसको मैं कर दूंगा 12, क्योंकि यहाँ पे मैं साइड में करना पड़ेगा। और इसका भी यहाँ से इस फेस से हम इसको कर देंगे 12। अगर रेस्पॉन्स सही मिलेंगे मैं इसका आगे का वीडियो बना लूँगा, बट होता है रेस्पॉन्स का, ठीक है। इसका भी हम -12 कर देंगे, सही रेस्पॉन्स मिलना चाहिए बस, बाकी तो बनाने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैं हर तरीके से कोर्स कराता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस फील्ड में मैंने काम भी किया हूँ, तो आपको जिस हिसाब से कराऊंगा कहीं और मिलेंगे नहीं आपको, पहली बात जो है ना। और डिटेल में कराऊंगा आपको, जो भी मैं प्रोग्रेसिव विजिट कराता हूँ, मैं लाइब्रेरी भी देता हूँ, दो दो लाइब्रेरी देता हूँ मैं, ठीक है। उस फीस में मैं कराता हूँ और बैच में कराता हूँ, ठीक है। और मेरा मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आपको क्या मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेंगे। एक्सपीरियंस बोले तो मतलब जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है। जो पहला क्वेश्चन में पूछता हूँ कि आप क्या करते हो, क्योंकि जो नया स्टूडेंट होता है ना, उसको बहुत कुछ चीज़ें समझने में मान लो, या चीज़ें को नया नया होता है, चीज़ें समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, अगर आप कंपनी में हो तो थोड़ा सा अलग तरीका होता है सिखाने का, क्योंकि तो थोड़ा सा मैं अगर गाइड कर देता हूँ तो आप समझ पाते हो। पहले ही बोल, देखो सीट तो मेरा होता है ना, पहले ही आपका बुक हो जाता है, इन द सेंस क्योंकि मैं 10 स्टूडेंट लेता हूँ एक बैच में आपका। तभी मेरा जो है नया बैच स्टार्ट होने वाला है डाई डिजाइन का, 2 सीट ही खाली है, थोड़ा सा ऑफर भी चल रहा है फिलहाल के लिए, जो जल्दी जल्दी जो बुक कर लेगा उसको ऑफर मिल जाएगा। और ज़्यादा अगर अपडेट चाहिए आप मेरा इंस्टाग्राम में, आपको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, तो वहाँ पे आपको अपडेट वगैरह मिल जाएंगे, कौन सी टूल में मैं फिलहाल मेरा काम चल रहा है वहाँ अपडेट वगैरह मैं देता रहता हूँ, ठीक है। और मेरे से बात भी होते रहते हैं बहुत लोग वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब में ऐसे बात नहीं कर सकता, कोई मैसेज वगैरह के लिए ऑप्शन नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम इसको भी M8 का वोटिंग कर देंगे, M8 कर देना, ठीक है, M8 से कम मत करना, ठीक है। ओके कर देते हैं, M8 का हम वोल्टिंग कर दिए हैं, यहाँ पे भी हम जो है M8 का वोल्टिंग कर देंगे। तो मेरा ये क्या हो गया, दाई इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं डिटेल में करा रहा हूँ, वो आप जो है ना थोड़ा सा चीज़ों को जो ये होगा ये सॉफ्टवेयर ये वाला होगा, और जो नीचे वाली ब्लॉक होगा ना मिडिल वाली ब्लॉक, देखो यहाँ जो है ना ये थ्रेडेड होना चाहिए, ये थ्रेडेड होना चाहिए, सिंगल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फीसर्स ले रहा था, तो फीसर्स आपको नहीं लेना है, आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो फीसर सिलेक्ट हो रहा है ना, फीसर सिलेक्ट नहीं करना है आपको, इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, सिंगल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको कौन से वाले ब्लॉक में करना है, ये वाला ब्लॉक में करना है, और यहाँ पे लास्ट में जो ब्लॉक होगा ये वाले ब्लॉक में आपको क्या करना है, टेपर करना है। मिडिल वाली ब्लॉक जो है ये इसको आपको हटा देना है, मिडिल में कोई नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, आप देख लो दिक्कत आ रही है। ओके ये वाला फेस देखो आप हवा में है, इसीलिए जो है ये ले नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही स्केच में बना दिया है, और एक ही स्केच में बनाने से यही दिक्कत होता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो आप, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दे दो रिवर्स डायरेक्शन में, क्लियर। अब आपको सीधा जाना है यहाँ पे जाके, जो स्केच है उस स्केच को सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है, जो प्रोजेक्ट वाली स्केच है उसको सिलेक्ट कर लेना है, बस M8 कर दबा लो आप, ठीक है। इधर में भी आपको वही करना है, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ होगा जो हमने प्रोजेक्ट करा था, ठीक
ठीक है, सारा सिलेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है किस तरीके से आपकी इसकी जो पंच है डिजाइन करना है, ठीक है, जो आपकी डाई पंच है वो कैसे बनानी है, इंसर्ट कैसे देना है। और यहाँ पे मेरा जैसे होल्डर रहेंगे इसको होल्ड करने के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को सही रेस्पॉन्स दोगे तो और मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। अब देखोगे इसके ऊपर जो है मेरे को स्टीपर प्लेट लगाना है, ठीक है। तो स्टीपर प्लेट कैसे लगानी है, किस तरीके से स्टीपर प्लेट चलेगा, ठीक है, और इसको पंच को कैसे गाइड करेंगे, यहाँ पे बोल्टिंग कैसे डालेंगे, यहाँ पे टेपर भी डालना होगा आपको, ठीक है। तो बहुत कुछ काम अभी बाकी है, लगभग मैं 20-30% कर दिया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, अगर कुछ इस चीज़ का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और जिसको भी क्लासेस लेना है एडवांस लेवल में, वो मेरे नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह देता रहता हूँ, और जो ये कराऊंगा और जो लाइव क्लासेस होंगे, जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, उसमें बहुत आपको फ़र्क मिलेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।